नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए व्रत के पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ में बनाना का रायता है। इस व्रत का पुलाव हम बनाएंगे समा के चावल से। इसको भगर भी बोलते हैं, लेकिन हमारे मालवा में इसको मोरधन बोला जाता है। मोरधन के नाम से सब जानते हैं, समा के नाम से थोड़े कम जानते हैं, लेकिन आजकल सभी लोग जानने लगे हैं। इसके लिए मैंने इनको धो लिया है, और धो के थोड़ी देर, जैसे हम चावलों को बनाते हैं आधे घंटे के लगभग भिगो देते हैं, ये देखिए मैंने भिगो के रख दिया था पहले। अब हम इसके लिए कढ़ाई में एक ऑयल डाल रहे हैं, और ऑयल में मैं डाल रही हूँ थोड़ा जीरा और काली मिर्च। इसके बाद मैं, ये तड़प जाएगा जब, इसके साथ मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। आपको जैसे भी डालना हो, जितनी भी डालना हो, उस हिसाब से डालें। थोड़ा सा हरी मिर्ची को फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालने वाली जो भी चीज़ें हैं, ये कड़ी पत्ता है जो मैं डाल रही हूँ इसमें। कड़ी पत्ता डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी दूसरी चीज़ें। अब मैं डालूँगी इसमें शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखी है, उसको डाल रही हूँ। गाजर है, गाजर को काट के रखा, उसको डाल रही हूँ। और इनको थोड़ा सा मैं फ्राई कर ले रही हूँ। आप, बहुत अच्छा लगता है ये पुलाव, आप बनाइए इसको, और अच्छा हेल्दी भी होता है ये। इस प्रकार आप जो भी वेजिटेबल्स खाते हों वो डाल सकते हैं। प्रायः ज़्यादातर शिमला, बहुत से लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। तो अब मैंने जो थोड़ा सा मेरा आलू है, उसको हाफ बॉईल करके रखा था, उसको डाल रही हूँ मैं। उसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ इन सब्जियों के साथ साथ। अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। भून जाने के बाद थोड़ा सा सब्जियों का स्वाद बढ़ जाता है। अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर। टमाटर 2-3 चम्मच, जितना हमको डालना है उस हिसाब से डाल लेंगे। अब इसको भी भून लेंगे। थोड़ा नमक डाल रही हूँ ताकि सब्जियाँ सब अच्छे से गल जाए। अब नमक डालने के बाद मेरे पास मूँगफली के दाने हैं सिके हुए, वो भी डाल रही हूँ मैं इसमें, और इनको अच्छे से भून रही हूँ मैं। ये सब भून रहा है सामान। अब इस बीच में मैं एक भगोनी में मैंने पानी रखा हुआ है यहाँ, और ये सब जो चावल मैंने भिगो रखे थे, इनका पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसको मैं, भून गया है मेरा, करीब करीब सब पक भी गई सब्जियाँ, ज़्यादा गली हुई भी अच्छी नहीं लगती है। ये मैंने जो चावल भिगो के रखे थे, अब इनको मैं डाल रही हूँ। ये जो समा राइस है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। बहुत 5-10 मिनट के अंदर बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, एक और बात है, ये बहुत ज़्यादा फूलता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है। हमको लगता है ज़रा सा है, लेकिन ये, अब ये मैंने चावल भी डाल के, समा के जो चावल है, भगर है, मोरधन है, जो कि हमारे मालवा में हम इसको प्रायः मोरधन ही बोलते हैं, समा या भगर नहीं बोलते हैं, मोरधन ही बोलते हैं। उपास में मोरधन की खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी भी खाते हैं साबूदाने के जगह पर। तो ये हमने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक। नमक अपने स्वाद के हिसाब से मिला लें। अब इसको, नमक डालने के बाद मैं थोड़ा सा भून ले रही हूँ अच्छे से। नमक एक हो जाएगा इसमें। ये देखिए अच्छा हो गया है, भून लिया है। अब मैंने यहाँ पर, आप यदि लाल मिर्च खाते हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने पानी गर्म करने रखा था एक तरफ, वो पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा फूलता ज़्यादा है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है इसमें, तो आप देखिए उस हिसाब से। पर थोड़ा थोड़ा ही मिलाएंगे, क्योंकि एकदम ज़्यादा मिलाएंगे तो वो गीला गीला अच्छा भी नहीं लगता है। ये देखिए ये हो गया है, उकल रहा है, बॉयल हो रहा है चावलों के साथ सारी वेजिटेबल्स। 5 मिनट के लगभग ढक के अब मैं बना रही हूँ केले का रायता।
इसके लिए मैं केले काट रही हूँ यहाँ पर। इसके साथ खाने के लिए बना रही हूँ मैं जो समा का पुलाव है, उसके साथ खाने के लिए मैं केले का रायता प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मैंने बनाना काट ली हैं और ये दही लिया है मैंने। दही घर का जमा हुआ है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। यदि लगता है हमको खट्टा, थोड़ा सा दूध मिला लेती तो उसका टेस्ट बढ़ जाता, खट्टापन भी कम हो जाता है। इस प्रकार इसको मैंने अच्छा फेंट लिया है, एक जैसा कर लिया है दही को, जितना हमको खाना है। केले का रायता बहुत टेस्टी लगता है, आप ज़रूर बनाइएगा। अब ये फेंटने के बाद आप चाहें तो एक दो चम्मच दूध भी मिला सकते हैं, या नहीं भी ज़रूरी नहीं, वैसे ताज़ा दही है, खट्टा नहीं। अब इसमें मैंने डाला है जीरा पाउडर, और अब डालूँगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर। ये रॉक सॉल्ट डाला है मैंने, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, व्रत का नमक जो इसको खाया जाता है। काली मिर्च भी डाली है, आप यदि लाल खाते हो, हमारे मैंने हरी मिर्च डाली है रायते में, हमारे यहाँ हरी मिर्च अच्छी लगती है, सबको खाई जाती है। अब मैं थोड़े से इसमें हरी धनिया डाल रही हूँ। हरी धनिया डालने के बाद मैं इसमें मिला ले रही हूँ रायते, केले भी डाल दिए मैंने। मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप देखिए, यदि आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा खाना पड़ता है, इसको रख नहीं सकते ज़्यादा देर तक, इसलिए कम क्वांटिटी में तुरंत बन जाता है, ज़्यादा देर तो लगती नहीं है बनाने में। अब इसमें शक्कर का पाउडर डाला है मैंने थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए, शक्कर का पाउडर भी डालकर मैंने इसको मिक्स कर लिया है यहाँ पर। अब इस बीच में मैंने देखा हमारा पुलाव रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। अभी कितना सुंदर लग रहा है, देखिए कलरफुल हो गया है। अभी आपको मैं प्लेट में निकाल के बताऊंगी जब बहुत अच्छा लगे। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने डाला नहीं था ये जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। यदि आप लाल मिर्च खाते हैं तो वो भी डाल लीजिए, कुछ लोग खाते हैं, हमारे यहाँ तो खाते हैं, हम लोग खाते हैं काली मिर्च, लाल मिर्च भी खाते हैं। थोड़ा सा घी डाला है, घी डालने से क्या होता है, पुलाव का टेस्ट बढ़ जाता है थोड़ा सा। वैसे मैंने ऑयल में बनाया है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा घी मैंने डाला है, ये देखिए। अब मैं इसके लिए तड़का तैयार कर रही हूँ रायते के लिए। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, पर अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम सब करते हैं। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा घी गरम किया है, अब इसमें मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। जीरा पाउडर के बाद इसमें मैं डालूँगी अब हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ी सी मैं कड़ी पत्ता डालूँगी इसमें, यहाँ पे बस, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा है। अब ये तुरंत डालूँगी और तुरंत निकालूँगी इसको, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा। ये निकाल लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा तड़का गर्म कर लो, उसमें डाल दो दही तो उसकी ठंडक ख़त्म हो जाती, वो डाला है। ये देखिए पुलाव, पुलाव के साथ रायता, ये देखिए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब।